नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकवादी शिविर को बमबारी कर किया ध्वस्त। 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए सेना के पराक्रम को किया सलाम। और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला कर आतंकवादियों के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में 300 से अधिक आतंकवादी और आतंकियों के प्रशिक्षक मारे गए हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था। उन्होंने कहा कि इस कारण ये हमला करना जरूरी था। इंडिया स्ट्रक द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ द जैश ए मोहम्मद। भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षु वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदायीन हमलों की तैयारी कर रहे थे, इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी बालाकोट में इस प्रशिक्षण केंद्र का नेतृत्व कर रहा था। मसूद अजहर चीफ ऑफ द JEM। श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी, लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है। The government of India is firmly and resolutely committed. भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए एहतियाती असैनिक कार्रवाई की गई। इस ठिकाने का चयन ये ध्यान में रखकर किया गया कि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। To avoid civilian casualties. श्री गोखले ने कहा कि भारत आशा करता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और अन्य आतंकी शिविर खत्म करेगा। आतंकवादियों के शिविरों पर की गई कार्रवाई को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। वायुसेना की कार्रवाई की खबर मिलते ही लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए सड़कों पर आ गए और एक दूसरे को गुलाल लगाया। इधर पटना सहित पूरे प्रदेश में लोगों को खुशियां मनाते हुए देखा गया। अपनी प्रतिक्रिया में लोग कह रहे थे कि पुलवामा में CRPF के काफिले पर किए गए आतंकवादी हमले का दुश्मन को करारा जवाब दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना द्वारा आतंकवादियों के शिविरों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई पर सेना के पराक्रम को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। राजस्थान के चूरू में आज जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अहमदाबाद में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कैसे, कब और कितना करना, ये सेना को छूट दी है और सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है, उनको बहुत बहुत बधाई। देश भर में एक माहौल है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है।
राज्यपाल लालजी टंडन ने वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई पर गर्व और संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने वायुसेना के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही समय पर सही कार्रवाई बताया। श्री कुमार ने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई का उचित उदाहरण आज दिखा है। उन्होंने वायुसेना के जवानों को बधाई भी दी है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार ने जो वादा देशवासियों से किया था आज उसे पूरा कर दिखाया। श्री राय ने कहा कि भारतीय वायुसेना के सफल कार्रवाई से पूरे देश में खुशी की लहर है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर वायुसेना की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में आज शाम नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सरकार के कदम के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों ने कहा है कि वे सेना के साथ हैं। बैठक में विदेश मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल समेत कई पार्टी नेता उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र फाउंडेशन को संयुक्त रूप से वर्ष 2016 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए। सुलभ इंटरनेशनल को भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रूपये नगद, प्रशंसा पत्र, एक पट्टिका और परंपरागत हस्तशिल्प कृति प्रदान की जाती है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज 36,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि औचक निरीक्षण में पकड़े गए शिक्षकों को कार्रवाई से मुक्त करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुनिंद्र राम से आरोपी 40,000 रूपये की मांग कर रहा था। इस संबंध में निगरानी डीएसपी मोहम्मद जमरुद्दीन ने बताया कि रामनगर के बीईओ द्वारा खजूरिया विद्यालय में कुछ दिन पहले औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें 2 महिला शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई थीं, जिसमें बीईओ द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। भाजपा की ओर से आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल ज्योति संकल्प अभियान चलाया गया। इस दौरान शहीदों को सम्मान देने के साथ ही राष्ट्रवाद और विकास का संकल्प लिया गया। विशेष तौर पर उन घरों में दिए जलाए गए जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। पटना सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई वरिष्ठ नेता और विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश के सभी घरों में 15 अगस्त 2020 तक स्मार्ट विद्युत प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। श्री कुमार ने आज पटना के विद्युत भवन परिसर में ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं के कार्यारंभ की रिमोट के माध्यम से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ी को प्रीपेड मीटर से रोका जा सकेगा। पटना उच्च न्यायालय ने सड़कों पर अतिक्रमण मामले को लेकर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि के जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्य सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने राजेंद्र नगर फ्लाईओवर के नीचे दुकानों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। प्रदेश के आसपास के हिस्सों में चक्रवाती दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। मुंगेर जिले की पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बहियार में छापेमारी कर 8 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकटोला गांव में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े 3 लाख रुपए लूट लिए। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वीएम इंटर कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल की छत का प्लास्टर गिरने से 5 छात्राएं घायल हो गयी। उत्पाद विभाग की टीम ने आज कटिहार में राधिकापुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन से 9 महिला समेत 10 शराब तस्करों को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले में कल मैट्रिक परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र पर ही अभियान चलाकर खसरा रूबेला का टीका दिया जाएगा। दरभंगा जिले के लहरिया सराय थाना क्षेत्र में कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए एक विचाराधीन कैदी की पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गयी।
मृतक के परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की है कि पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने के बाद कैदी की मौत हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकवादी शिविर को बमबारी कर किया ध्वस्त। 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए सेना के पराक्रम को किया सलाम। और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में रामनगर का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय वर्मा घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, द न्यूज रेड बाय गौरा धवनलाल। The Indian Air Force conducted an airstrike on the biggest terror camp of the Jaish-e-Mohammed JEM in Balakot at Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan in the wee hours today. Briefing the media in New Delhi, Foreign Secretary Vijay Gokhale said credible information was received that the JEM was attempting other suicide terror attacks in the country and terrorists were being trained for that purpose. The Foreign Secretary said it became inevitable to carry out a preemptive strike. He asserted that in this non-military preemptive action, a very large number of terrorists, trainers and senior commanders of the group were eliminated. He said the airstrike was conducted in a thick forest area to avoid civilian casualties. The camp was led by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, brother-in-law of JEM Chief Masood Azhar. Mr. Gokhale said information about the location of training camps was provided to Pakistan, but no concrete action was taken by it. The Foreign Secretary said India remains firmly committed to taking all measures to fight terrorism. He said India expects Pakistan to dismantle all terror camps, including those of the JEM. Meanwhile, an all-party meeting convened by External Affairs Minister Sushma Swaraj against the backdrop of the airstrikes by the Indian Air Force on the JEM terror camp is underway in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi today met President Ramnath Kovind at Rashtrapati Bhavan. Mr. Modi also had a telephonic conversation with Vice President M. Venkaiah Naidu. This came after the Indian Air Force's preemptive airstrike on a terror camp across the line of control. Foreign Secretary Vijay Gokhale and other secretaries also briefed foreign envoys, including those of P5 nations, China, France, Russia, the UK and the US, during the course of the day on the subject. Various political parties have hailed India's preemptive strike on a terror camp in Pakistan. The BJP said Prime Minister Narendra Modi's political will has made the difference. In a tweet, party President Amit Shah said, India will never tolerate terrorism. Congress President Rahul Gandhi also saluted the pilots of the Indian Air Force. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee also welcomed the airstrikes. The National Investigation Agency, NIA, today carried out searches at the residences of separatists in the Kashmir Valley in a terror funding case. The NIA sleuths, accompanied by local police and CRPF personnel, carried out searches at nearly 9 places. Officials said the houses of Mirwais Omar Farooq, Sayyid Ali Shah Gilani, son Naeem Gilani, Yasin Malik, Shabir Shah, Ashraf Sehrai and Zafar Bhatt were raided. Prime Minister Narendra Modi has assured people that the nation is in safe hands. He said that nothing is more important than the country. Addressing a public meeting at Churu in Rajasthan this afternoon, Mr. Modi said today, the world is seeing the power of a stable government. The Prime Minister started his speech with a poem. Talking about various schemes of the central government, Mr. Modi said, India is growing at a new pace. The Supreme Court today suggested another round of mediation in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid land dispute case, observing that it was considering the possibility of healing relationships. A 5-judge constitution bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi said it will pass an order on the 5th of next month on whether to refer the case to a court-appointed mediator. The bench asked the registry to provide translated copies of all documents to the parties within 6 weeks and said the main matter would be taken up for hearing after 8 weeks.
President Ramnath Kovind today conferred the Gandhi Peace Prize for 2015, 16, 17 and 18 at a function in Rashtrapati Bhavan. For 2015, the Vivekananda Kendra at Kanyakumari was given the award. For 2016, the Akshay Patra Foundation and Sulabh International were jointly presented the award. The Ekal Abhiyan Trust was conferred the award for 2017 and Japan's Yohai Sasakawa for 2018. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, today successfully test-fired the indigenously developed quick-reach surface-to-air missiles from Chandipur off the Odisha coast. The two missiles were tested for different altitude and conditions. Defence Minister Nirmala Sitharaman has congratulated the DRDO on the successful test flights. The Sensex today fell 240 points to close below the 36,000 mark at 35,974. And that is the end of this news bulletin.